बच्चों डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक एवं स्वागत है। बच्चों जैसा कहा गया है कि बात बनाई नहीं जाती, बात बन जाती है और मौत बुलाई नहीं जाती, मौत आ ही जाती है और लोग पत्थर से बेचैन हो जाते हैं, पत्थर के बाद ही तो बाहर आती है। और दोस्तों हार्दिक की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी बुलंद होती है जिनके हाथ नहीं होते। इन्हीं के व्यक्तित्व के साथ आपका जो नया एक चैप्टर हम लेकर आए बच्चों, जो एकदम लेटेस्ट है, जो एकदम लेटेस्ट करंट का है चैप्टर, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जिस प्रकार से भारत के संविधान के संविधान में रखा गया है, आप जानते हो भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार से अभी हाल ही में हुआ है ना, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ आपको मतगणना भी हो चुकी है और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। लेकिन अभी हमारे तो जो आपके राष्ट्रपति हैं, इनका भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है और शपथ ग्रहण भी जल्द इनका हो जाएगा। उससे पहले ही हमने लेटेस्ट लेकर आए हैं राष्ट्रपति का। जैसे बच्चों अभी अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, दो ही प्रत्याशी बनाए गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को जो है चुनाव लड़ाया और उधर विपक्ष की तरफ से आपके यशवंत सिन्हा चुनाव लड़े थे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू विजयी हुए थे। जैसा कि बताया गया है कि द्रौपदी मुर्मू का समान परिचय, अभी हम आपको समान परिचय बताएं किस प्रकार से वो द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है, किस प्रकार से संघर्ष करते हुए आज राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च पद होता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, किस प्रकार से वो संघर्ष करते हुए आज भारत की जो है राष्ट्रपति बन गई है। तो वही द्रौपदी मुर्मू का हम सामान्य बच्चे लेकर आए। बेटा जो आपके द्रौपदी मुर्मू है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, जो कि एक महिला है। लेकिन भारत की अगर प्रथम महिला के बारे में पूछा जाता है तो आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। लेकिन दलित महिला के रूप में, सॉरी दलित नहीं, जो एक आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति बनी वो आपकी द्रौपदी मुर्मू थी, जो की एक संथाल जाति है। आपको पता होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू एक संथाल जाति है। आपको यह भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग वो कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं, सोनभद्र में रहते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। इनको चुनाव किसने लड़ा था, इनको चुनाव जो आज की भारत की सर्वशक्तिमान पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाया और ये विजयी घोषित हुए। बच्चों जैसा कि द्रौपदी मुर्मू के जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज, जो मयूरभंज है स्थान है और उस स्थान का एक गांव है बैबा कोसी में हुआ था। ठीक बच्चों, और इनके जो पिता के बारे में बताया जाता है, उनके पिता का नाम है वीरची नारायण टुडू, जो पैदा कोसी गांव के मुखिया भी है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। इनके पति का नाम था श्याम चरण मुर्मू, जो शादी होने के 2-3 साल बाद, जो अभी प्रमाणित नहीं हुआ, अल्पायु में मृत्यु हो गई है। बच्चों आगे चलते, इनकी 3 संतानें थी। हमने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन संघर्षमय था। बताते हैं इनकी 3 संतानें थी, जिनकी 2 संतानों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसमें से बताया जा रहा इनकी एक पुत्री जो आज भी है वो रांची में रहती है, और उनके पति का नाम था गणेश चंद हेमराम, उनके पति का नाम था, जो रांची में रहती है। ठीक है, जो झारखंड है आपका, झारखंड जो नवीनतम एक आपका राज्य बना था, तो झारखंड की ये राज्यपाल भी बनाई गई थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये राज्यपाल बनाई गई थी 2015 में, और राष्ट्रपति जो आपके राज्यपाल होता है उसको निर्धारित करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक को बना रहता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। बच्चों आगे चलते हैं, जो द्रौपदी मुर्मू है ये विधायक रह चुकी है उड़ीसा में, क्योंकि इनका मूल स्थान उड़ीसा आपको भी बताया था। तो उड़ीसा में जो द्रौपदी मुर्मू है इनको एक पुरस्कार मिला था 2007 में, यहाँ की सरकार ने इनको एक सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार दिया था, उसका नाम था नीलकंठ पुरस्कार,
उसको इनको मिला था 2007 में। जैसे कि बच्चों अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उस राष्ट्रपति के चुनाव जो 2022 में कुल वोट पड़े थे 4,254 वोट पड़े थे। उस 4,754 वोट में जो अवैध वोट थे, जो भाजी निकले वोट, वो 53 वोट थे। जहां पर आपको द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले थे 2,826 वोट मिले थे, जिससे वो जीत गए थे। उसी तरह जो विपक्ष में यशवंत सिन्हा, जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सब मिलकर जो है इनको चुनाव लड़ाए थे, और यशवंत सिन्हा को मिले थे 1,877 वोट मिले थे। बच्चा जैसा बताते हैं कि हमने इनको समान कैसे बता दिया, अब कुछ विशेष चीजें हैं जो राष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। बच्चों जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5,00,000 रुपए का होता है, जो आयकर मुक्त होता है। बच्चों जो राष्ट्रपति का भवन पे होता है, जैसे अब रामनाथ कोविंद जी मतलब की हटाए जाएंगे या अपने जो है इस्तीफा देंगे, उसके बाद जब द्रौपदी मुर्मू गद्दी पे बैठने का मतलब है जब शासन सत्ता चलाएंगी तो उनको क्या मिलेगा, राष्ट्रपति भवन में आपको पता होगा 340 कमरे है, जो हमारे प्राचीन का राष्ट्रपति भवन को पुराना हुआ, ठीक है, जिसका जो है रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। अभी हाल में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति भवन के परिसर में अपनी एक शाखा भी खोली थी। बच्चों जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका की संघ उसमें विद्यमान होता है, लेकिन अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है अनुच्छेद 74 के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा अपना प्रयोग करता है। अब जैसे आप द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारतीय राष्ट्रपति बन गए, इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हो रहे उनको दिलाएंगे। वर्तमान में कौन है बच्चों, ये है यज्ञवीर जो है एमवी रमणा जी ने इनको शपथ दिलाएंगे। बच्चों जैसे हम आगे चलते हैं, एक भारत के संविधान में आपात उत्पन्न की बात कही गई है, जहां पर आपात उत्पन्न जो भाग 18 में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि तीन प्रकार से, एक 352, 356, 360। 352 में क्या है, यदि हमारे देश में कोई बाह्य आत्मा हो जाता है उस समय आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है। यदि किसी राज्य में मुख्यमंत्री किसी राज्य में होता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के संचालन को विफल हो जाता है तो 356 का प्रयोग होता है। बच्चों जब 307 का प्रयोग होता है वो वित्तीय आपदा के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन 307 का प्रयोग अभी तक बच्चों नहीं हुआ है। जैसा कि बताया जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है बच्चों, और राष्ट्रपति भारत का एक ऐसा संवैधानिक पद होता है जो सर्वशक्तिमान। हाँ अभी ये भी बताया जाता है यदि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे देता है तो उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है उस मृत्युदंड को या सजा कम कर सकता है या उसको माफी दे सकता है। बच्चों हम राष्ट्रपति के जो सिलेबस में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद परिवार।